Welcome back. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी पर्सनल फेवरेट अनियन पराठे की रेसिपी जिसे आप एज ए ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और ये पराठे की खास बात ये है कि बहुत ही जल्दी बन जाते हैं घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ तो इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रिपरेशन करनी होती है जैसे कि हरी मिर्च हरा धनिया और प्याज इन्हें बारीक कट करके आपको रखना होता है और उसके बाद बस एक मिक्सिंग बॉल ले लीजिए उसमें इन सबको मिक्स कर देना है जैसे कि प्याज को एकदम बारीक कट करना है एक बड़ा प्याज को मैंने बारीक कट किया था दो से तीन हरी मिर्च को एकदम बारीक कट कर लेना है थोड़ा सा हरा धनिया ले लीजिए इसे भी एकदम बारीक कट कर लीजिए अब बारी आती है कुछ सूखे मसाले मिलाने की तो बस स्वाद अनुसार इसमें नमक मिलाइए थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाइए मुझे याद आ गया कि मैंने हरी मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च मिला रही हूँ और जैसे कि जीरा पाउडर ले लीजिए धनिया पाउडर ले लीजिए किसी भी मसाले का अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो वो आप इस स्टेज में इसमें मिक्स कर सकते हैं तो है ना एकदम बेसिक से इन्ग्रीडियंट्स इनको बस मिक्स करना है और हमारी फिलिंग एकदम तैयार है पराँठों में भरने के लिए सो अब क्या करना है आपको जो हम रोटी बनाते हैं वही आटा लेना है कोई अलग से आटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती कोई स्पेशल आटा नहीं चाहिए इस पराठे के लिए सिंपल सा वही आटा चाहिए जिसकी हम रोटी बनाते हैं सो पहले हमें क्या करनी है कि हाफ रोटी बनानी है तो अब यहाँ से आप वीडियो स्किप ना करें मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी इन पराठों को बनाने की तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी हाफ रोटी बनकर तैयार हो गई है अब इसमें आपको एक से दो चम्मच फिलिंग मसाले की इसमें भर लेनी है सो so, प्याज को इसीलिए मैंने कहा था कि बारीक कट करना है ताकि जब हम पराठे बनाएं तो वो इस रोटी से बाहर निकल कर ना आ जाएँ इसलिए एकदम बारीक कट करना बहुत ज़रूरी होता है और बस एक पोटली सी आपको बनानी है जैसे मोमोज़ बनाते हैं ठीक इसी तरीके से पहले पोटली बना लीजिए जो एक्स्ट्रा आटा है उसे तोड़ साइड में रख दीजिए और अब हाथ से पहले इसे फ्लैट कीजिए डायरेक्ट आपको बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है वरना ये पराठे टूट जाएंगे और थोड़ा सा सूखा आटा ले लीजिए सूखा आटा लगाकर हाथों से जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरीके से पहले आपको हाथों से अंदर का मिक्सचर फैलाना है और उसके बाद ही हम बेलन का इस्तेमाल करेंगे सो ये देखिए कि काफ़ी बड़ा मैंने ऐसे ही बना लिया है पराठा हाथों से अब सूखा आटा लगाकर और इसे हल्के हाथों से हमें बेलन से बेलना है सो so, हल्के हल्के हाथों से आपको बेलते रहना है इसे और जहाँ कहीं भी आपको ऐसे लगे कि फीलिंग बाहर निकल रही है वहाँ पर थोड़ा सा आप सूखा आटा लगा दीजिए जैसे देखिए थोड़ा सा है तो यहाँ पे मैंने सूखा आटा लगा दिया और फिर हम बेल लेंगे तो आपको इन्हें बेलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और बस एक बात कि ये ज़्यादा लंबे नहीं बन पाएंगे पराठे थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं क्योंकि जो प्याज है वो बाहर निकलने लग जाती है तो देखिए कि थोड़ी थोड़ी निकल रही है बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम ईजिली इन पराठों को सेक सकते हैं तो अब एक पैन रख लीजिए गैस पे मीडियम फ्लेम पर और वहाँ पर मैंने पराठों को प्लेस कर दिया है अब दोनों साइड से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पहले हमें सेक लेना है तो जब ये अच्छे से सेक जाता है उसके बाद हम अप्लाई करेंगे इसमें घी घी या बटर इन दोनों का ही आपको इस्तेमाल करना है जब भी आप घर पर पराठे बनाते हैं ऑयल में ना बनाएँ क्योंकि घी एक गुड फैट है एज़ कंपेयर टू ऑयल सो so, आप घी का इस्तेमाल करें और एक दो चम्मच ही घी लगाना है ज़्यादा घी अप्लाई नहीं करना है पराठों पे एक इस एक टेबल स्पून से दो टेबल स्पून में आपका एक पराठा इजीली बन जाता है तो देखिए एकदम गोल्डन सा कलर हो चुका है और हमारा पराठा रेडी है सो सर्व कीजिए इसे दही के साथ टोमेटो सॉस के साथ या आपकी फेवरेट किसी भी चटनी के साथ आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब